सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो मैथमेटिक्स या एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। आज मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूं और उसको आपको भी बताने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं तो इसका श्रेय जाता है हमारे देश के वीर जवान सैनिकों को। लेकिन बीच बीच में किसी मुठभेड़ या फिर पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों की वजह से इनमें से कुछ शहीद हो जाते हैं। इनके शहीद होने पे हमको काफ़ी दुख होता है और हम लोग अपने दुख का इजहार सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट करके करते हैं। हम में से बहुत का मन होता है कि इनके घर वालों को कुछ मदद करें, कुछ करें इनके लिए। कुछ हम में से कुछ पहुंच भी जाते हैं, वहाँ उनके घर पहुंचते हैं, वहाँ जाके इस दुख की घड़ी में उनका मदद करते हैं। बट हम में से बहुत सारे पहुंच नहीं पाते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उनके पास जा नहीं पाते हैं, तो उनका मदद करने का जो सपना होता है वो अधूरा ही रह जाता है। तो इसके लिए एक्टर अक्षय कुमार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई है, www.bharatkeveer.gov.in। इस वेबसाइट पे इन सभी वीर जवानों का फोटो उनके डिटेल्स के साथ लिस्टेड है। वहाँ पे जाके आप अपना कंट्रीब्यूशन जो भी चाहे, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 1 लाख, 15 लाख तक आप डोनेट कर सकते हैं। जिस दिन उनका वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट 15 लाख पहुँच जाएगा, उस वेबसाइट से उनका नाम हटा लिया जाएगा और वो पैसा उनके घर वालों को दे दिया जाएगा। इनको इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलता है कंट्रीब्यूशन वो तो है ही, उसके अलावा ये है, ये हम लोगों के बीच से ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट इनके घर वालों को मिलता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अक्षय कुमार का ये वीडियो। दोस्तों, कल हमने अपनी आजादी के 70 साल सेलिब्रेट किए बहुत गर्व बहुत सुकून के साथ। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने आजादी के दिन के साथ साथ उन लोगों को सेलिब्रेट किया जिनकी वजह से आप ये गर्व ये सुकून महसूस कर पाते हो? वो लोग जो कहीं बॉर्डर पे अपनी जान दांव पे लगाकर हमें साल दर साल ये आजादी का तोहफा देते चले जा रहे हैं, चुपचाप बस देते जा रहे हैं, हमारे देश के वीर सैनिक। रोज न्यूज में हम सुनते हैं कि किसी ना किसी जगह हमारे रक्षा करने में इन बहादुर सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए वो हमारे लिए। भैया, अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ कर दिखाने की। इस साल अप्रैल में हमारे होम मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके जरिए आप डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे शहीद सैनिकों के परिवार को। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आप सिर्फ अपने इंटरनेट ब्राउजर पर टाइप कीजिए bharatkeveer.gov.in। एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा है डोनेट, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने उन सब सोल्जर्स की फोटोज और डिटेल्स आ जाएंगी जिन्होंने आपकी और मेरी, हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये वीर भारत के हर कोने से हैं। आपकी जितनी भी हैसियत हो भैया, जितनी भी हैसियत हो, उतना पैसा आप बहुत आसानी से इस वेबसाइट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही किसी शहीद के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, उनका नाम और फोटो साइट से हटा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अप्रैल से लेकर अब तक ऑलरेडी भारत के वीर वेबसाइट में 10 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा हमारे शहीद भाई बहनों के परिवार को मिल चुका है। आज 16 अगस्त को उस वेबसाइट में अभी भी 114 शहीद की फोटोज और डिटेल्स हैं। कल हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हम सबको ये संकल्प लेने की अपील की है कि हम सब उन शहीदों की फैमिलीज की हेल्प करें। तो आज मैं आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मेरे साथ ये संकल्प करें कि अगले छः महीने के अंदर अंदर हमें इन 114 शहीदों की फैमिलीज की मदद करके उनके फोटोस इस वेबसाइट से हटवाना है। आप कोई कॉर्पोरेट हो या कोई परिवार हो, कोई स्कूल हो, सब मिलके ये कसम ले लें कि भैया हमने इस फोटोस को हटवाना है, इतना पैसा भारत के वीर वेबसाइट में डलवाना है, और ये करके हम उन शहीदों पर कोई एहसान कोई फेवर नहीं करेंगे। ये करके हम अपनी आज़ादी का
अपनी आजादी का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाएंगे। देखो यार, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बहादुर सोल्जर्स के लिए वो हैं तो हम हैं, उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। सो गाइज, लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स मेक देम प्राउड ऑफ अस। जय हिंद। तो आप भी कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आइए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। हेलो, मैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, और गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ सर्च बार में मैं डालता हूँ www.bharatkabir.gov.in। यहाँ पे www. ऑलरेडी मैंने 2-3 बार ये साइट खोला हुआ है, इसलिए ऑलरेडी ये खुल गया, bharatkabir.gov.in। ध्यान रखना है कि bharatkabir.gov.in ही होना चाहिए, .com या .in केवल हो तो वो दूसरा साइट खुल जाएगा, उस पर नहीं जाना है, इस पर ही जाना है। इस पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे होम पेज खुल चुका है, इस पर ये सारा कुछ लिखा है भारत कबीर, और ये बहुत सारा फोटो स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू कंट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करने के बाद ये सभी हमारे देश के वीर शहीद जवानों का ये लिस्ट खुल चुका है। टोटल ये 143 है, और इसमें से 18 को अपना मतलब कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल अमाउंट था 15 लाख का, वो मिल चुका है। और यहाँ पे एक किसी भी पिक्चर पे हम क्लिक करें तो इनके बारे में ये सब कुछ खुल जाता है, जैसे कि ये शहीद कब हुए थे, कहाँ पे ये शहीद हुए थे, इनका एज क्या था, इनका नेटिव प्लेस कहाँ था, ये किस फोर्स से थे, ये CRPF से हैं, और इन पे डिपेंडेंट कौन कौन है, तो इन पे 3 सन इनके डिपेंडेंट हैं। और ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे है, कैसे ये हुआ था इंसिडेंट, और इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ये टोटल 15 लाख कंट्रीब्यूशन में से इनको टोटल 2,96,711 रुपया मिल चुका है, और 12 लाख और ये कुछ रुपया इनको और मिलना है। इतना मिल जाएगा तो इनका नाम यहाँ से हट जाएगा और इनके परिवार वालों को पैसा दे दिया जाएगा। यहाँ पे एक और फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे किन्हीं आप खास को जानते हैं जो कि आपके आसपास हैं या आपके मतलब नेटिव स्टेट में है या फिर नाम से आप जानते हैं, तो उनको डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बिहार डाल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ बिहार सर्च करूँगा तो ये यहाँ पे बिहार के जो भी वीर जवान शहीद हुए हैं वो उनका ये फ़ोटो खुल चुका है, और ये इतने टोटल बिहार के ये हैं। इनमें से मैं यहाँ पे एक जो है अभय कुमार, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये CRPF में थे, इनको मैं कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। ये 24/4/2017 को ये शहीद हुए थे, और ये सुकमा में जो नक्सली मुठभेड़ हुआ था उसमें शहीद हुए थे। इनका एज था 27 साल और वैशाली से ये थे, ये CRPF से थे, और इन पे डिपेंडेंट हैं इनके माताजी। और ये कैसे इंसिडेंट हुआ था वो सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको 12 लाख लगभग रुपया मिल चुका है, और लगभग 2,73,000 लगभग रुपया और मिलेगा, तो इनके परिवार वालों को पैसा दे दिया जाएगा और यहाँ से इनका नाम हट जाएगा। यहाँ पे आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट पे क्लिक करके मैं प्रोसीड करूँगा, तो यहाँ पे ये आ गया इनके बारे में सब कुछ। यहाँ पे जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करना आप चाहते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 1,000 रुपये इनको कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। ये छोटा अमाउंट है, बट छोटा छोटा ही करते करते मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे तो ये अपना गोल अचीव कर लेंगे। यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं अपना डालता हूँ, और ये जो है ये डालना है सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पे 8। यहाँ पे एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, ओटीपी आ चुका है मेरे मोबाइल नंबर पे, और मैं इसको इंटर करता हूँ।
अब ओटीपी के डालने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैं, यहाँ 1000 रुपये आ गया। यहाँ ऑलरेडी मैं ये इस पे साइन इन हूँ, इसलिए यहाँ नाम और मेरा ये ईमेल आईडी शो कर रहा है। और आप यहाँ पे नए आएंगे तो यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी डालना होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है ये डालना, बट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर कंट्रीब्यूट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे SBI ई पे से ये होगा, और यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो अभी मैं फ़िलहाल डेबिट कार्ड से यहाँ पे करूँगा। डेबिट कार्ड में सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है आपके पास कौन सा कार्ड है। तो हमारे पास अभी मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड में सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब डेबिट कार्ड नंबर डालने जा रहा हूँ, जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे जो नेम ऑन कार्ड जो है, कार्ड पे नाम जो है वो डाल देना है। यहाँ पे बैंक का नाम डाल देना है, और यहाँ पे अपना CV भी डाल देना है। ये सब मैं बता नहीं सकता हूँ, ये सब सबको अपना पर्सनल डालना। प्रोसीड मैं करता हूँ, यहाँ पे आ गया ट्रांजैक्शन अमाउंट जो कि है 1000, और टोटल अमाउंट टू बी पेड, ये कोई भी मतलब GST या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फी नहीं लग रहा है, हम पेड डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ATM पिन मांग रहा है, इसको भी मैं नहीं बता सकता हूँ। सबमिट करता हूँ पिन डालने के बाद, यहाँ पे एक OTP जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है बैंक से। ये काफ़ी अच्छा काम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे तो जल्दी ये अपना गोल रीच कर पाएंगे। काफ़ी देर हो गया OTP आने में, हाँ आ गया OTP, और ये OTP है। OTP डालने के बाद मैं सबमिट करता हूँ, और ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। मैं अक्षय कुमार हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने एक भारतीय वीर जवान के परिवार की सेवा की। योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नोबल कॉज इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। गॉड ब्लेस। जय हिंद। ये यहाँ पे अक्षय कुमार जी ने यहाँ पे आप धन्यवाद दिए, फिर से एक बार सुनते हैं, काफी अच्छा लगा। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने एक भारतीय वीर जवान के परिवार की सेवा की। योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नोबल कॉज इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। गॉड ब्लेस। जय हिंद। जय हिंद। काफी अच्छा लगा इनका ये, तो आप भी इस यहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कंट्रीब्यूट किए वहाँ पे देख भी सकते हैं माई कंट्रीब्यूशन, और उसको आप फेसबुक पे पोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने कंट्रीब्यूट किया वो दिखा रहा है यहाँ पे 1000। इसका मैं अगर इमेज इसका डाउनलोड करता हूँ तो इमेज इसका यहाँ पे आ गया। ये काफ़ी अच्छा सा एक कार्ड मिला है थैंक यू करके, और ये ढेर सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये अभय कुमार को मैंने जो भी ये कंट्रीब्यूट किया वो यहाँ पे है। इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे आप पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल 18 सोल्जर्स का लिस्ट है जिनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, और
यहाँ पे और कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोर्सेस यहाँ पे 8 इसमें लिस्टेड है जिसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टोटल 143। यहाँ पे सोल्जर्स हैं जो कि शहीद हुए हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, 18 को अपना मतलब टोटल वो लिमिट जो था वो 15 लाख का वो मिल चुका है यहाँ पे कंट्रीब्यूट। तो ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इन्हें कंट्रीब्यूट करें ताकि इनका नाम यहाँ से जल्दी हट जाए। और एक और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और कंट्रीब्यूट करें। तो जय हिंद, जय भारत के वीर।